का कहीं और ही है, रहना नहीं देश बेगाना है। मेरे पति को खुशियां मिलेंगी, पुत्र होगा, जब मेरे पति का पुत्र होगा तो कभी मुझे भी माँ कहेगा तो मुझे भी पुत्र का आनंद मिलेगा। लेकिन ये विधि के विधान को कोई नहीं जानता था। सुरुचि के कहने से राजा ने सुनीति को घर से निकाल दिया, झोपड़ी डालकर खेतों में रहने लगी। दास दासियां नहीं है, जौ की रोटी है, लेकिन संयोग क्या था कि सुनीति बड़ी धार्मिक प्रभाव की थी और घर से निकलने से पूर्व वो गर्भवती थी, इसका किसी को पता नहीं था। इसलिए कुटी में जाकर वो जौ की रोटी बनाती, पूरे दिन खाली है तो क्या करेगी, इसलिए वो निस्दिन भगवान का भजन करते। भगवान गोविंद का निस्दिन भजन करती, भोग लगाकर हरि को जो भी रूखी सूखी है वो अर्पण करती, आती और निरंतर भजन करती। समय बीता, यथा समय उसने एक पुत्र को जन्म दिया और इसी पुत्र को सभी लोग ध्रुव के नाम से जानते। सुरुचि के यहाँ भी एक बेटे ने जन्म लिया, उसका नाम रखा गया उत्तम। दोनों बेटे बड़े हुए, अंतर क्या था दोनों में, दोनों बालक घर में जन्मे, दोनों की अपनी किस्मत है। दोनों बालक उस घर में जन्मे, किस्मत अपनी अपनी है। एक राजकुमार कहाँ करके पलने में झुलाया जाता है, एक दुखियारी का दुखी लाल पत्तों पे लिटाया जाता है। एक के लिए अच्छे भोजन दासियां बना कर लाती है, मिल नहीं पाती है। ऐसा किस्मत, एक झोली में फूल भरे, झोली में कांटे, एक पिता की संतान एक जैसे क्यों नहीं बताओ ना। एक डीएम भी बन जाते हैं, दूसरे को चपरासी की नौकरी नहीं मिल पाती, क्यों? यही तो है किस्मत, यही तो है कर्म। ऐसा लिखा कि कर्म कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता, मर जाओ तो भी कर्म दास संग लगे रहते, और जब जन्म लोगे तो भी साथ नहीं आते। मरने के बाद भी और जन्म लेने के बाद भी कर्म साथ रहते हैं, पिछले वाले भी और जो कर रहे हो भी। तीन प्रकार के कर्म हैं, एक है क्रियमान कर्म, कर्म क्रियमान जो हम कर रहे हैं। एक है संचित कर्म, संचित कर्म माने वो इकट्ठे हैं, अभी उस काम को फल नहीं मिला। संचित माने जो बैंक में बचाया भी निकाला नहीं, उसको भोगा नहीं, बैंक में है। एक वो है प्रारब्ध, जिसको हम भोग रहे हैं वो कर्म का फल है। प्रारब्ध कहते हैं पिछले जन्म का, संचित वो है पिछले जन्म का लेकिन अभी उसका मिला नहीं है फल, और क्रियमाण जो वर्तमान में कर रहे हैं। ध्रुव थोड़ा थोड़ा सा बड़ा होने लगा, माता ने बड़े अच्छे संस्कार दिए, ये संस्कार बच्चों को मिलना चाहिए, बड़ों को प्रणाम कराना सिखाया। एक बार ध्रुव जी 5 वर्ष के हो गए, बच्चों में खेल रहे थे तो बच्चे खिलौने लाए होंगे, छोटे बच्चे होते हैं, जब कोई बच्चा साइकिल ला के आए उसके पास ना हो तो वो भी हाथ पकड़ता, भैया हमें भी बिठाओ, हमें भी दे दो, ऐसे खिलौने के लिए रोए होंगे। जब रोए तो बच्चों ने नहीं दिए खिलौने, बोले जाओ अपने पिताजी से मंगा लेना। अब ध्रुव जी ने आज तक पिताजी शब्द कहा ही नहीं था। रोते रोते माँ के पास गए, बोले माँ मेरे पिताजी कहाँ हैं।
सब बच्चों के पिताजी हैं। माने गोद में बिठा लिया, अब वो कैसे कहे कि उसके पिताजी तो देश के सम्राट हैं, राजा हैं, और इतना होने पर भी वो दासी से भी कई जिंदगी गुजार रही है। माता ने समझाया, बेटा पिता तो सबके एक ही होते हैं, उनको भगवान कहते हैं। ध्रुव जी बोले, नहीं नहीं, ये बच्चे कहते मेरे पिता, वो बच्चे के पिता वो जा रहे, हमारे पिता कहाँ हैं। माँ ने गोद में बिठा लिया, भोला बालक है, कैसे समझाए। अचानक एक स्त्री ने बताया कि बेटा तुम्हारे पिताजी तो इस राज महल में रहते हैं, सो ध्रुव जी अपने पिता से मिलने के लिए दौड़ते हुए चल पड़े। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि ये कदा सुरुचि पुत्रम अंकम आरोपिलालेन उत्तम नारचंतम चा ध्रुवम राज्ञा विनंदता। एक बार उत्तम को गोद में लिए थे राजा, उसी दिन जब ध्रुव आया और ध्रुव जी जब आए तो राजा अभिनंदता सिर रख दिया चरणों में। बच्चे का अगर भाग्य उज्जवल कराना है तो मंदिर में भी मस्था उसका टिकवाना है, ना कि उसको हाथ जुड़वाना है। भले ही नमस्ते हमारी व्यवहारिक परंपरा हो सकती है, लेकिन नमस्ते जो है, हमारा शास्त्र आपको ये नहीं कहता है आप एक दूसरे को नमस्ते करें, नहीं, एक दूसरे को प्रणाम करना, जिसको ये होगा उसको प्रणाम करें, हाथों से पैर छुएं, सिर लगाकर पैर छुएं, और अगर नहीं तो आप एक दूसरे को राम राम, राधे राधे, हरिओम बोले। नमस्ते हालांकि हमारी सामाजिक परंपरा हो सकती है, व्यवहारिक हो सकती है। कोई कहेगा उसके बच्चे ने हमें नमस्ते नहीं किया। अच्छा ये बात सच बोलना, इतनी संगत बैठी है, अगर कोई बच्चा आपको नमस्ते करे तो बदले में आप क्या कहेंगे, बोलो बोलो। अगर हम आपको कहें बहन जी नमस्ते तो आप क्या कहोगी, बोलो। और अगर आकर के चरणों में सिर रख जाए तो आप क्या कहेंगे, नमस्ते। कोई बच्चा चरणों में सिर रख दे तो क्या कहेंगे, नमस्ते। बेटा जुगजुग जियो, जाओ बेटा बुद्धिमान बनो, धनवान बनो, बलवान बनो, दुआओं की आशीष लग जाती है। नमस्ते के हम विरोध में नहीं है, ऐसा ना हो कि कोई यहां से सीख कर जाए और अपने ऑफिस में बड़े बाबू को नमस्ते ना करे तो मामला गड़बड़ हो जाए। हम विरोध में नहीं है, लेकिन बच्चों को नमस्ते अपने माँ बाप से नहीं करना चाहिए। अंग्रेजी में क्या कहता है, बोलो गुड मॉर्निंग। अब बच्चे ने कहा मम्मी गुड मॉर्निंग, तो मम्मी ने क्या कहा, गुड मॉर्निंग। इसका मतलब हमें बता दो क्या हुआ, चलो अंग्रेजी में बता दो। भाई हमने कहा गुड मॉर्निंग, आपने भी कहा गुड मॉर्निंग, तो दोनों ब्रह्मास्त्र बीच में टकरा गए। बच्चे ने कहा मम्मी जी नमस्ते, मम्मी ने कहा बेटा नमस्ते, मतलब क्या, वो अपने बेटा को नमस्ते कर रहे, बेटा उसको नमस्ते कर रहे, कुछ किसी को मिला। लेकिन बेटा अगर विद्यालय जा रहा है, मम्मी जी के चरणों में जब भी पैर छुएगा तो इतनी दुआ निकलती है, सबके जिसके पैर छुएगा उसके दुआ जरूर निकलेगी। मंदिर में भी हाथ जोड़ना अच्छी बात है, साष्टांग प्रणाम कहलाता है, हाथ जोड़ना बंदन कहलाता है, प्रणाम कहलाता है, और सिर झुका करके मत्था लगा के साष्टांग प्रणाम कहलाता है। श्री रामचंद्र चरणों सिरसा नमामि, सिरसा सिर झुका। माने संस्कार बहुत अच्छा दिया। आजकल भी पैर छूने की परंपरा तो बंद ही होने जा रही है, बिल्कुल बंद होने जा रही है। किसी को विदाई करते थे
तो विदाई करते समय बार बार उसको देखते थे, बार बार देखते थे, राम राम भैया, राम राम, अच्छे से जाइयो। आज की ये नए जमाने की विदाई, कोई मेहमान घर से निकले तो बाय बाय बाय, हाय हाय, बड़ा अच्छा स्वागत है। अगर कोई तुम्हें मिले, तुम किसी के घर जाओ और जाते ही कहे हाय हाय, हमें तो ऐसा लगेगा कि हमारे जाने से के हाय पड़ने वाली, जने क्या होने वाला है, तो वो कह रहा हाय। हमें यही तो सीखना है, व्यवहार भी सीखना है। कभी कोई जाता है तो उसको ऐसे ऐसे क्यों किया जाता है, ऐसे ऐसे क्यों किया जाता है, उसका मतलब बाय बाय होता है। पहले जमाने में कभी ऐसे ऐसे नहीं किया जाता, बार बार दोबारा फिर आइयो, दोबारा फिर आइयो। और आजकल अब मत आइयो, भूल के आगे सो आ जाइए, अब मत आइयो, बाय बाय। ध्रुव जी ने जो सीखा, सिर लगाकर प्रणाम करना सीखा, तो ध्रुव जी जब गए हैं तो राजा अभिनंदता, ध्रुव जी ने जाते जाते राजा के चरणों में अपना सिर रख दिया। परिणाम क्या हुआ, जो गोद में बैठा था उसको तुरंत नीचे उतार दिया, और जो सिर चरणों में रखा था तुरंत उसको उठाकर सीने से लगा लिया, मेरा बेटा आ गया। लेकिन सुरची ने सिखाया वो भूल गए, सुरची ने सिखा दिया था कि मेरी सौतन के भी बेटा है, माना भूल कर उसको हाथ नहीं लगा, भूल गए। क्यों भूल गए, क्योंकि ध्रुव के प्रणाम में इतनी ताकत थी कि सुरची का वचन भूल गए। प्रणाम की शक्ति भगवान को खींच कर ले आती है। एक ऋषि हुए मार्कंडेय, मार्कंडेय की कुंडली जब निकाली गई तो संतों ने कह दिया ये बच्चा 8 साल से ऊपर जी नहीं सकता, मर जाएगा, मार्केस लगेगा इसका, बच्चे का ही नहीं। उसके बाद सनक सनातन सनातन चार महात्मा, 7 साल बीत गए, 8वें साल लगी, माँ बाप रोज रोवे मेरा बेटा तो जिएगा ही नहीं, कौन मार्कंडेय ऋषि, बाद में बड़े महात्मा बने जिन्होंने एक पुराण का नाम है मार्कंडेय पुराण, मार्कंडेय पुराण बना। तो अब माँ बाप रो रहे बैठे, शिव जी की पूजा कर रहे, सनक सनंदन महात्मा आ गए चारों, भैया काहे को रो रहे हो, बोले हमारी गोद सुनी हो जाएगी, हमारी आंखों का तारा ये कुंडली देखो। महात्मा ने कहा एक काम करो, इस कुंडली को भोलेनाथ के चरणों में चढ़ा दो। बोले हो, बोले 8 वर्ष इसके पूरे होंगे, अगले वर्ष महाशिवरात्रि को अपने बच्चे को शिक्षा दो कि पूरे गांव में जितने भी लोग रहते हैं, छोटे हों या बड़े, सबके चरणों में अपना सिर रखे। बच्चे को ज्ञान दिया, नगर में बच्चा सुबह से निकल जाता, शाम को आता, फिर सुबह को निकल जाता, रोजाना जिसके घर रोज जाके कुछ ना मांगे, ना खाए, ना पिए, और सिर रख के प्रणाम करे, तो बताओ लोग दुआ देंगे कि नहीं। और कभी कभी ऐसी भी दुआ लग जाती है, तुमको हमारी उम्र लग जाए, ये भी दुआ है, और लगती है, ऐसा भी ना लगे, लगती है। हम जो अंतर आत्मा से कहते हैं वो जरूर होता है, ऐसा नहीं, हमारे आत्मा में परमात्मा होता है। महाशिवरात्रि को सुबह को संतों ने जैसा बताया, शिवलिंग को पकड़ के उस पे सिर लगा के मार्कंडेय बालक बैठा हुआ है। शिवरात्रि का दिन हुआ था, रात्रि नहीं हुई थी, और दिन में उसकी मृत्यु होनी थी, यमराज के दूत आए, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी, उस बालक के प्राण छीन लें। पूरा दिन हो गया, पूरी रात हो गई, यम के दूत यमराज के पास गए और यमराज से कहा क्या करें, वो बालक तो शिव के चरणों में सिर झुकाए बैठा है। यमराज ने कहा देखो इसकी उसकी कुंडली में सब कर्मों में लिखा था, उसका तो ये था कि 8 वर्ष में मृत्यु हो जाएगी, लेकिन उसके सत्कर्म आगे जुड़ गई, अरे 1 वर्ष से सबसे आशीर्वाद ले रहा है, ये तो अजर अमर हो जाएगा, कभी मरेगा ही नहीं, कभी नहीं लाना इसको, अजर अमर हो गए।
अजर अमर हो गए। एक श्लोक है प्रातः बंदन में है, अपने बच्चों के सिर पे हाथ रखकर आशीर्वाद देने के लिए ये श्लोक है, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानचा विभीषणा कृपा परशुरामचा सप्तहिते त्रिजीविना मार्कण्डे इष्टार्थकम मार्कण्डे आठवें हैं। ये आठ लोग अजर अमर हैं, इनका नाम लेकर बच्चे के सिर पर आशीर्वाद देखने से बच्चे को कभी जीवन में अकाल मौत नहीं आती। जैसे कि ध्रुव राजा की गोद में पहुंचे, ये था उनके प्रणाम का बल। सुरची ने देखा उत्तम रो रहा है, दौड़कर पहुंची, जाकर के उसने पति पर तो क्रोधित हुई लेकिन ध्रुव को मार दिया। न बस नपते दृष्णम भवान रोडर महाती तूने अभी कोई ज्ञान सीखा है? तू किसका बेटा है? ना गृहीतो मया यत्तम तुच्छा, भी मेरी कोख से तूने जन्म नहीं लिया है। उस अभागिनी सुनीति की कोख से जन्म लिया है। अरे वो अपने भाग को नहीं संभाल पाई, तुझे क्या संभालेगी? तूने मेरी गोद से कोख से जन्म नहीं लिया, इसलिए तू इस गोद का अधिकारी नहीं। पहली बात। दूसरी बात, ये राजाओं का पद, ये बड़े बड़े घर में जन्म, ये बड़ी बड़ी सुख समृद्धि कब मिलती है तुझे नहीं पता? नहीं पता। मैंने कहा ना, कर्म हमेशा संग रहते हैं। कोई जन्म लेने पर इतना अमीर हो जाता कि सात पीढ़ियां खाए फिर भी खर्च नहीं हो। टाटा बिरला के घर में जन्म लेने वाला, अंबानी के घर में जन्म लेने वाला, तो उसने एक बहुत